कुछ टाइम तारा चढ़िया वो अस चाड़िया अज जरा तारे कहना जाग वो तारा डुबी जाना ओने कहना अस भी डुबी जाना जो दिन जा सारे बर्बाद हो गए जेडे लोग आखते के अस 45 साल 55 साल पार्टी की देनी है मैं इस मंच को आखने को नहीं करता गया मैं नहीं डरू आखने को लोग आखते कि असें 55 साल पार्टी दिते मैं आखना कि तुम एक MLA बनी दसी कॉन्स्टिट्यूएंसी चा फिर मैं आखता कि तुम 55 साल पार्टी दिते अज साढ़े को नौजवान लीडर आया है श्री मदन लाल शर्मा के रूप च और अज कांग्रेस का सच्चा सफाई कौन है ये भी तुम्हारे सामने साबित हो गया अज पढ़ दो डिग्री कॉलेज हॉस्पिटल स्कूल सारे मदन लाल शर्मा ने अगर उनके कमे पर भी लोग सतीश शर्मा ने वोट देई होंगे तो सतीश शर्मा कदे खाउट प्लान चा हरियाणा तू जा सकते लेकिन बड़ी शर्म की गल है उस पार्टी ने उन्हें भी कुत्ता कुत्ता बजाया अज अरबा खरबा रुपया उन्हें लोगों को इन्ने पैसे उन्हें लोगों के किया कांग्रेस कने कांग्रेस की अज उन्हें अलविदा आख्या लेकिन इसी पाप लगेगा उन्हें लोगों की जिन्हें कांग्रेस की नोची नोची खाता अज उनकी वारी आई ही कांग्रेस की तैयार करना कांग्रेस ले बुरे संकट में ही उनका फर्ज बनता कांग्रेस छोड़ना नहीं है सतीश होर या प्रेम सिंह होर एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही ने तुस जेड़े लोग इतने बैठे हो कांग्रेस तुस कांग्रेस सपे सच्चे सिपाही हो जा जेड़े लोग कांग्रेस के बलबूते पर करोड़ आंबा मती बनी गए अज कांग्रेस की लत मारिए चली गए ने और सच्चे सिपाही ने एक मतलब है जिन्ने चर मज दुद्ध दिंदी रवे तिन्ने चर मज लाख रुपए की जल मज उड़की जाए असि लुकी छोड़ी उड़ते जिन्ने चर कांग्रेस को दुद्ध लगता रहा तो कांग्रेस मां अज कांग्रेस आई नहीं तो अज मां कुछ गई मां का मुंड पै गया मैं उस ग्रुप की मीटिंग अटेंड करता था दूसरे की लेकिन वो उस दिन छोड़ दी थी जिस दिन 29 जुलाई के दिन छोड़ दी थी मैं एक अकेला आदमी था जिसने बोला हाथ भी बांधे कि नहीं पार्टी मत छोड़िए जनाब पार्टी बहुत बड़ी बात होती है तो ये वही बात है कि पार्टी मां की तरह बेबस हो गई बेटे ही लुटेरे हो गए मैं तो ही एक और बार गवा दिना जिनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है उदे कने साडे कने दो ब्लाक ऐसे जुड़े न जिथे स्वर्गीय मदन लाल दी लोग अज भी जरा पहले कप्पू जी दे चाहे वह मैरा मान रहा होवे चाहे चौकी चौरा होवे उन्हें लोग मदन लाल की निशानियां दिखी उन्हें लोग मदन लाल के काम दिखे दे अज वो लोग साडे कोला मजे खुश न पार्टी ने क्या नहीं दिया इनको और जब पार्टी को इनकी जरूरत आ गई तो छोड़ के चले गए ये कोई अच्छी बात नहीं है नंबर मैं प्रवीण होने आखना जेड़े BDC के चेयरमैन साहबान भाई बिचू नहीं निकला करो यार बिचू निकला करो और सारे केंद्रों और ऐसा मानव कर रहे हैं ना प्रेम होने ये शाम देखिए बिचू ने भी सम्मान किया और ये बाद प्रेम से को ने भी सम्मान किया आज सारा एक शुभ दिन है तुमका बहुत बहुत शुक्रिया तो इतने सारे लोग इकट्ठे हो यो अज इतना पता लगता है कि थोड़ ब्लॉक के अंदर सब कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमेशा कांग्रेस हमेशा कांग्रेस नहीं है एक नारा लाल तो है सारे थोड़े बारह पीड़िया जवाब देना तुझे सम्मानित करता उन्हें हाथियत इनके को सम्मानित कराओ शुक्रिया जी तहसीलदार जमादार जी और भाइयों ने सम्मानित करा रहे
साढ़े ब्लाक के जेडे प्रेसिडेंट चुने हुए हैं प्रेम सिंह जी, वो साढ़े कांग्रेस के लीडर सतीश शर्मा जी और साढ़े एस एनुअल वर्मा साहब जी भी पूरी दौड़े जमानत कर श्री प्रेम सिंह जी। ਸਪੈਕਟਰ ਮੱਚ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਐਕਸ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ ਵਰਮਾ ਜੀ नेतागण मेरे सामने मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी माता है मेरा सारे की दर्जा बदर्जा प्रणाम श्री मदन लाल शर्मा का मैं नारा लान करना सारे को श्री मदन लाल शर्मा जी श्री मदन लाल शर्मा जी श्री मदन लाल शर्मा जी मैं पार्टी कने लगातार चलता रहा पिछले 35 साल तो 5 साल स्वर्गीय मदन लाल शर्मा के कने गुजारे असें बाद 30 साल असें माननीय डिप्टी सीएम तारा चंद हुंदे कने असें 30 साल गुजारे उत्थे भी असें अच्छे काम किए उन्हें भी ठीक काम किए शर्मा साहब ने भी बहुत अच्छे काम किए कोई बिच बड़े लैवल की गल साढ़े लैवल की गल तो कोई है नहीं है पिछले भी तुम्हें देखा मेरी टिकट कटी है तो मैं नहीं दिखी तो असें नतमस्तक हो ठीक है भाई थोड़ा पार्टी का फैसला है वो अज आपू का छड़ी गेन है अस कख नहीं आख सकते बड़ी वड्डी हस्तियां ने आजाद साहब बड़े बड़े लीडर ने अस कख नहीं आख सकते उनके बारे हाँ इन्ना जरूर आखी सकने जी मेरी भैन आख्या जी कि माँ की बेसहारा छोड़िए जाना अस भी सुनते रहे कई बार मैं भी सुनता रहा कांग्रेस साड़ी मां है इतना गै जीना इतना गै मरना तो अस उतना छोड़िए अस उतना गै टिके तुस सारे उसे टिके अज तुसे मेरा जरा मान सम्मान किया मैं हो सकता यह लायक है हजा नहीं है लेकिन पार्टी ने सतीश शर्मा जी विकास सूर बानी जी मैडम सोनिया जी राहुल जी प्रियंका जी जिन्हें भी सारे बड़े लीडर ने उन्हें खड़े के गल मेरे अंदर दिखी छोटे जे वर्कर दारू सतीश उन्हें मेरे मेरा नाम दिता मेरे साथी ने नाम दिते इन्हें इंदे अंदर भी कोई गल इन काबिलियत कोई दिखी होनी है तो असें जी एक अस अपने आप की ब्लॉक प्रेजिडेंट नहीं अस आगे जो थोड़े सेवा करने वास्ते पार्टी ने ही तो एक मौका दिता होर ब्लॉक च मिगी और इन्हें सामू और खड़ा बली बिच तो असं थोड़े सेवादार बनिए चौकीदार बनिए थोड़ी सेवा करके अस घर घर जाके लोगों के पैरों से लागे गले मिल के हथ बन गए सतीश शर्मा के वास्ते अस एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके तुसें भी आखू जे मैं कला नहीं कर सकता भाई मैं कला नहीं कर सकता जेड़े लोग इतना आए दिन इबी प्राण लैन और जेड़े घर बैठे थे उन्हें जी तुसें समझाना उन्हें प्राण तुसें दवाना कि तुसें एक बारी स्वर्गीय मदन लाल शर्मा के नाम की जिंदा करना उनकी शाख उनकी प्यूंद जी इतने बैठी दी है श्री सतीश शर्मा इन्हें भी एक बारी कामयाब करी है जेड़े अधूरे काम है फिर साहब इतना छोड़ी गए थे रही गए थे कुसा वजह उनकी उम्र जाने की नहीं है शर्मा साहब एक फौजी है फौज में भी उन्हें अच्छे काम किए ताइया अब फौजी कप्तान सारे कला च है फौजी ज्यादा रमेश होर कैप्टन बैठे थे इतने
बहुत सारे कप्तान बैठे थे ना, तो उन्हें फौज भी अच्छा काम किया, घर आनी किसानी भी की, और एक जननायक के रूप च उन्हें सेवा जी लोगों की की। और एक फौजी तो उठी है, सिपाही तो उठी है, दिल्ली के बच्चे की है थोड़े ब्लाक का नाम रोशन उन्हें किया, ये बड़ी बड़ी गल है थोड़े ब्लाक वास्ते, ये कोई छोटी गल नहीं। बॉर्डर ब्लाक है साड़ा लास्ट ब्लाक है, इतों उठी है दिल्ली जी है थोड़े ना रिफ्यूजियों वास्ते लड़ना, बेस्ट पाकिस्तानियों वास्ते लड़ना, बॉर्डर के लोगों वास्ते लड़ना, स्कूलों वास्ते, कॉलेज वास्ते, कलोनियां जी बनिया पलवा वो वास्ते लड़ना, ये शर्मा साहब का गै काम हाँ। उनकी बड़ी सोच ही अभी उनकी सोच की गल लिया जाना है, उनकी सोच की गल कैसे बधाना है, कौन चली है कौन के करी है उनका अपना मैटर है। असें कह ली कुछ आखना चंगा कुछ माड़ा, ठीक है नी, इतना काम करते हो तनखाह मिलती ही, आज तक बगैर तनखाह ही नौकर है, इतने चलते तो तनखाह मिलती ही, कई बार बंदे एक नौकरी पसंद नहीं आती, दूई जगह जाइए दे लैंदा, दूई फैक्ट्री या दूई कोई कंपनी लगी जाता, तो असें कुछ बारे च कोई गल नहीं करनी पाई है। असें अपना दिखना कि अपने ब्लाक का विकास किया करना, तरक्की किया करनी है, बेरोजगारी महंगाई जी है बड़े बड़े मुद्दे ने, इन मुद्दे की असें कि टैकल करना, असें कि चुकने, क्योंकि अस अपोजिशन बच्चे हाँ, अगर अस मुद्दे चुके, बॉर्डर के मुद्दे चुके, बेरोजगारी के मुद्दे चुके, महंगाई के मुद्दे चुके, अस ये कामयाबी हासिल करी सके और सतीश शर्मा होने की अपना निर्भर बनाई सके। सोचते हैं कि कुछ टाइम तारा चढ़िया वह अहें चाड़िया, अज जो तारे कने जा वो तारा डुबी जाना, और एक नासे भी डुबी जाना जड़े जड़े जा, तो इस करके मैं पहले भी बड़ा रोकते रहे कि तू नहीं बोलना, लेकिन अच जब कोई कांग्रेसी रहा गया नहीं तो बोलते नहीं, तो फर्क तो उन्हें भी हूँ कोई नवी पार्टी बनानी है तो आखते हैं कि अहम दो जगह इलेक्शन लड़नी है, बथेरा पैसा कमाया दो जगह लड़नी, तो इस करके मैं सारे साथियों की जेडे इत बैठे दे रहे, मैं उन्हें भी सम्मानित, मैं उन्हें एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगा कि साथियों गुमराह नहीं हो, अगर गुमराह नहीं हो तो थोड़ा किस बनी जा। अज साढ़े को नौजवान लीडर आया है श्री मदन लाल शर्मा के रूप च, और अज कांग्रेस का सच्चा सिपाही कौन है, ये भी तुम्हारे सामने साबित हुई है कि अस सतीश होर या प्रेम सिंह होर एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही ने, तुस जड़े लोग इतने बैठे हो कांग्रेस के, तुस कांग्रेस के सपे सच्चे सिपाही हो, या जड़े लोग कांग्रेस के बलबूते पर करोड़ा अरबापति बनी गए अज कांग्रेस की लत मारिए चली गए ने, और सच्चे सिपाही ने, ते सोचो गुमराह नहीं हो, सतीश हुंदी पूरी मदद करनी है, और आने वाला वक्त बड़ा जल्दी सारे ब्लाक के लोगों का बदलने वाला है, कि जिनी सेवा लोगों की श्री मदन लाल शर्मा ने की है वो वध सेवा जी है वो सारे सतीश शर्मा और करने। जम्मू डिस्ट्रिक्ट 13 सीटा आती है, 13 सीटें चा एक सीट जितनी वो बड़ी बड़ी गल ही, उसी लोग लीडर आखते लीडर बड़े हुए, लेकिन वह जो लीडर अज की डेट कोई दसा कि कहड़ा लीडर हा, लेकिन अज जी है वो बड़ी शर्मनाक गल है, जुड़े लोगों वो अपने कंस्टिटुएंसी MLA की शील नहीं कटी सकते, जोड़े लोग आखते कि अस 45 साल 50 साल पार्टी की दे जुड़ी है, मैं इस मंच को आखने को नहीं करता गया, मैं नहीं डरू आखने को, वो लोग आखते कि अस 50 साल पार्टी दीते, मैं आखना कि तुम एक MLA बनिए दसी कंस्टिटुएंसी चा, फिर मैं आखता कि तुम 50 साल पार्टी दीते, लेकिन बड़ी शर्म की गल है उस पार्टी ने उन्हें भी कुत्ता कुत्ता पजाया, अज अरबा खरबा रुपया उन्हें लोगों को इन्ने पैसे उन्हें लोगों के किया कांग्रेस कर कांग्रेस की अज उन्हें अलविदा आख्या, लेकिन इसी पाप लगेगा उन्हें लोगों की जिन्हें कांग्रेस की नोची नोची खाता, अज उनकी वारी आई ही कांग्रेस की तैयार करना, कांग्रेस है बुरे संकट में ही उनका फर्ज बनता है कांग्रेस छोड़ना नहीं आई, लेकिन वो लोग जोड़े अज भी मतलब डिप्रैस हो उन्हें लोगों
मैं आज भी आखना जो उस बंदे की उम्र 70 साल 80 साल हो जाती है वो इलेक्शन लड़ने का काबिल नहीं होता है। उसका फर्ज है कि अपने लीडर अगे तैयार करे अपने काम करे अपने लोगों के हूँ 80 साल की उम्र च कोई बंदा आखो मैं पार्टी छोड़िए दूसरी पार्टी बनानी है गलत सोच है गलत फैसला है ये करिए तो खिलैन जे एक सीट भी ले जागर अस सारे उसके कन्ने टुरी जाके कख नहीं घबरा उन्हें लोगों का गलत फहमी है सारा भी इतने लोग इन्ना इन्ना किश करिए के उनकी के हालत है अस्पताल ना नहीं लैके उनके को है पहला तो सब लोग जानते हो जो लोग पहली बार एमएलए बने किया लोगों ग्राइया करिए कि एमएलए बनाया असें पता है 1996 असें भी मेरी 18 साल उम्र 19 साल असें भी उन्हें वोट पाया अस उनके कन्ने चलते हे लेकिन अच कांग्रेस का बुरा वक्त आया कांग्रेस छड़िए चली गए उनके को लिखो अज भी के है वो गलत फहमी चलिए अस कांग्रेस छड़िए आया तो सारा के मौला बड़ोईया मैं तो एक और बार गवा दिना जी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है साढ़े कहने दो ब्लाक ऐसे जुड़े जिथे स्वर्गीय मदन लाल जी लोग अच भी रब लेखा पूजते चाहे वह मैरा मंदिर होवे चाहे चौकी चौरा होवे उन्हें लोगों मदन लाल की निशानियां दिखी दी उन्हें लोगों मदन लाल के काम दिखे दे अज वो लोग साढ़े को मजे खुश हैं आने वाले दिनों च अस एक बड़ा बड़ा प्रोग्राम करके और मैरे मांदरे के लोग और चौकी चोरे के जो लोग भी साढ़े बिच होगन आर एस पी शर्मा की इे गल आखनी है तो अपनी ईमानदारी करना अगर चल दिन रात थकना नहीं है उन्नी रुपार पाने वाला टाइम है हूं दिन रात तुम नहीं करी अगर चलते जा लोग तेरे कहना अपना मोहन जुड़कन अज तुस दिखा रहे हो ब्लॉक बिच मिगी इन्ना जवाब दियो कि अज जेकर एम पी साहब दे सपुत्र नहीं होंगे तो इस ब्लाक की कुना सामना जुस्सी रजिए वोटे कने बनाए रहा रजिए वोटे कने जिताए रहा डिप्टी सीएम भी रहा स्पीकर भी रहा एमएलए भी रहा अज पार्टी छड़िए किया नठी गया अज जिन्ने वर्कर है जिन्ने अहदेदार लोग है सारे बर्बाद हो गए सारे बर्बाद हो गए अज नी रखने वाले कौन है थे मदन लाल शर्मा नीम पत्थर रखने वाले कौन है मदन लाल शर्मा अज नौकरियां देने वाले कौन है थे मदन लाल शर्मा जिन्ने मुलाजम लगे हुए हैं सब मदन लाल शर्मा दी निशानियां है अज पल दो दो डिग्री कॉलेज हॉस्पिटल स्कूल ये सारे मदन लाल शर्मा ने अगर उनके कमे पर भी लोग सतीश शर्मा ने वोट देई होगन तो सतीश शर्मा कदे खौड ब्लाक चा हारिया नहीं तू जाई सकते सारे सतीश और मिनिस्टर बनने के रूप में ने इस ब्लाक की अर्थात दावे करना आखने कि सोने की चिड़िया बनाऊंगा अगर सतीश और एमएलए आवन एक मतलब है जिन्ने चिर मझ दुद्ध दिंदी रवे तिन्ने चिर मझ लख रुपए की तो जिन्हें मझ उड़की जाए असि लुकी छोड़ी उड़ते जिन्ने चिर कांग्रेस को दुद्ध लगता रहा तो कांग्रेस मां अज कांग्रेस आई नहीं तो अज मां कुत्थे गई मां का मुल पै गया नवी पार्टियां भी कदे जीतिया कदे आखा झाड़ू वाली मखी अज पंजाब के लोग पछता रहे हैं झाड़ू लगी वोट देिए बिजली फ्री होग तो पानी का बिल फ्री होग तो बिजली फ्री होग अज कोई फ्री नहीं जो लोग आई कांग्रेस ने फ्री करनी जो भी कांग्रेस बनी तो राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने सतीश शर्मा जी ने करने मैं कहता हूं 47 से लेकर आज तक और 2014 से लेकर 2022 तक जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसके साथ हमारी सरकार ने इतनी बेइंसाफी की है कि हमारे बच्चों के हक छीन लिए हैं हमारी जमीनों के हक छीन लिए गए हैं और आप रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं कि हमारे स्टेट के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है जिसमें आप कल भी पढ़ रहे होंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन कर रही है जिसमें ये कहा गया है मैंने आज से 6 महीने पहले ये बात बोली थी किसी स्टेट पर कि एक सेंसस के मुताबिक 30 लाख मजदूर बिहार
यूपी झारखंड से यहां काम कर रहे हैं और उन्हीं का यहां पर अब वोट बनेगा तो आप लोगों का वोट डालने का तो कोई मायने नहीं रहेगा। इसलिए इस चीज को देखते हुए हमने अपनी स्टेट को बचाना है, हमारे बच्चों के रोजगार को इसको बचाना है, हमारी जमीनें बचे हमने इनको बचाना है और उसके साथ साथ हमने अपने सलीके को भी बचाना है। रही बात खौड़ ब्लॉक की, बहुत लंबी चौड़ी ये टोपोग्राफी की एक जिसमें 1,22,000 के करीब वोट है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो खौड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है छंब खौड़, इसके लिए बहुत जदोजहद की, भूख हड़ताल भी रखी। लेकिन बड़ा अफसोस है कि पार्लियामेंट के अंदर जब ये परिसीमन आयोग का जो मंत्री था राय साहब, उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर से कोई रिपोर्ट नहीं आई, जो परिसीमन हमने किया है उस पर कोई विरोध हुआ ही नहीं है। क्या अंधापन है, क्या मतलब है ये सोच है, हम इसका भरपूर इसका विरोध करते हैं। और जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है इसके लिहाज से पूरा ही हमारा पहाड़ी एरिया है और हमें अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरा जोरदार समर्थन करना है, घर घर जाना है। मैं सतीश जी से जो गुजारिश करूंगा और नए अध्यक्ष हमारे प्रेम सिंह जी, इनसे भी यही गुजारिश करूंगा कि हमें बहुत जदोजहद की जरूरत है। कुछ लोग बोलेंगे जी नहीं, ऐसा नहीं है, यहां पर बहुत जदोजहद की जरूरत है हम सब मिलके। मैं उस ग्रुप की मीटिंग अटेंड करता था दूसरे की, लेकिन वो उस दिन छोड़ दी थी जिस दिन 29 जुलाई के दिन छोड़ दी थी। मैं एक अकेला आदमी था जिसने बोला, हाथ भी बांधे कि नहीं पार्टी मत छोड़िए जनाब, पार्टी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये वही बात है कि पार्टी मां की तरह बेबस हो गई, बेटे ही लुटेरे हो गए, हुए लुटेरे तो नहीं हुए, क्या कुछ नहीं दिया। मैंने ये भी बोला कि अगर ये जो 23 का ग्रुप बना है, अगर इनका आप गूगल में सर्च करके देखो, 47 से लेकर आज तक ये लोग कहां कहां रहे हैं, पार्टी ने क्या नहीं दिया इनको, और जब पार्टी को इनकी जरूरत आ गई तो छोड़ के चले गए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। रूटीन में हर महीने हमारी 7 को मीटिंग होती है, उसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं सारे। लेकिन आज हमने जो हमारे नव नियुक्त, हमारी मेंबरशिप के बाद जो हमारे हमने प्रधान चुने, हमारे ब्लॉक्स हैं जैसे प्रेम सिंह जी खौड़ से हमने इनको प्रधान चुना है, विजय कुमार जी सामो के हैं, कैप्टन साहब हैं हमारे श्याम जी ये खड़ा बल्ली से हैं, और नीलम जी वो आज पहुंच नहीं पाए वो परगवाल से हैं, तो उनको सम्मानित करने का हमारा आज का जो दिन था। और दूसरा जो बेसिक मुद्दों पर आने वाले वक्त में हमने लड़ाई लड़नी है, चाहे वो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की लड़ाई है, उसके ऊपर हमने चर्चा की है वो किस तरह लड़नी है अगर सरकार नहीं देती। दूसरा हमारा जो बेरोज़गारी का आलम जो आपको पता है उसके ऊपर हम तो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं और हम स्पेशल रिक्रूटमेंट के हकदार भी हैं जैसे पहले होती थी। उसके बाद जो धांधलियाँ हुई हैं पिछले दिन उसकी भी जो फेयर इंक्वायरी जो होती है, एक आदमी गलती करता आप सबको सजा दे रहे हो, बच्चों को चाहे फाइनेंस के चाहे जो गलती करता है उसको आइडेंटिफाई करो, आपकी एजेंसी जितनी सक्षम हैं। तो वैसे ही महंगाई का हल्ला बोल जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद आज राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी जी से 7 को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी है, तो हम भी उसका कैसे कैसे स्वागत करेंगे जब वो यहाँ पहुँचती है, उस पर भी विचार विमर्श हुआ। सतीश जी बात करेंगे, अब जिस तरह से कांग्रेस से कुछ लोग जो छोड़ के चले गए, हम नाम नहीं लेंगे उनका, आप जानते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन बात इतनी है कि अब कहीं ना कहीं हम जो मान लें कि मैंडेट जो है आने वाले दिनों में खोड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आपका क्लियर हो गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में हम काम करेंगे, अभी चुनाव करवाएंगे, चुनाव मुझे लगता नहीं इनकी मंशा है चुनाव कराने, इनको सूट कर रहा है, अफसरशाही हावी है। आज आप देखिए जो ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं, 25-25 लाख लोग वोटर इन्होंने पहले यहाँ बसाने हैं, फिर चुनाव कराएंगे, उसको समय लगेगा। मुझे की बात करें सतीश जी, जहाँ 10 रुपये करप्शन हुआ करती थी एक समय, आज उसी जगह 10 गुना ज़्यादा करप्शन चल रही है। आप माइनिंग को लेके चले,
माइनिंग की एक लिमिट तय की है, लेकिन फिर भी जो माइनिंग के ऑनर हैं, जो ठेकेदार हैं, सरकार ने जिनको ठेके दिए हैं, वो इतनी इतनी डेप्थ में चले जा रहे हैं जहाँ से माइनिंग जो है रेता उठाना है, और उसके बाद आपने देखा कि 25-25 लाख की बात तो आपने करी थी, जो बच्चों का फ्यूचर स्पाइल हो रहा है, एक फेयर इंक्वायरी भी नहीं हो रही, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखो, ऑल टाइम हाई करप्शन, जिनको दर्द ही नहीं है रियासत की, बाहर के लोग हैं उनको कोई दर्द नहीं, आप देख रहे हो, हमारे लोकल अफसर भी तो इतने सक्षम हैं, तो ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी साहब। स्ट्रांग अपोजिशन स्तीश जी देखने को नहीं मिल रही, यहाँ पे खोड़ की बात करें, अखनूर की बात करें, एक स्ट्रांग अपोजिशन की यहाँ पे जरूरत है। अब तो कहीं ना कहीं ये रास्ता भी जो है आपका क्लियर हो चुका है पार्टी को लेके भी, और आने वाले दिनों में प्रधान भी सारे आप ही के कहने पे चुने गए हैं, तो किस तरह की अपोजिशन आने वाले दिनों में? देखो, गए वक्त में हमने चाहे अग्निवीर पे, चाहे डेली वेजर्स पे, चाहे रिक्रूटमेंट्स पे, आप लोग तो शामिल होते थे उसको, उस पर हमने जितना हमसे प्रोटेस्ट होता था, बन पड़ता था, हमने किया। लेकिन अब चूंकि नई टीम है, नई ऊर्जा के साथ आने वाले वक्त में हर मुद्दे को हम एड्रेस करेंगे, और हमें आपका भी साथ चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।